इरफान खान साहब इंडस्ट्री के जेम थे। वो आज हमारे बीच हैं तो नहीं, लेकिन उनकी यादों के रूप में उनकी फिल्में हैं, और सबसे इंस्पायरिंग है उनका स्ट्रगल। कितने साल उन्होंने इंतज़ार किया पहचान बनाने के लिए। उनके स्ट्रगल के एक किस्से में ये भी कहानी है कि एक टाइम ऐसा था जब इरफान खान साहब एसी ठीक करने का काम किया करते थे, और तब वो मुंबई के एक बड़े सुपरस्टार के घर एसी ठीक करने गए थे। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब इरफान खान साहब एसी ठीक करने का काम किया करते थे, क्यों उनके उस वक्त का ये किस्सा उन्हें हमेशा याद रहता है, और कैसे उस सुपरस्टार के घर जाकर इरफान खान के सोच में बहुत बदलाव आ गया। जानते हैं इरफान खान साहब राजस्थान से हैं, जयपुर से। वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, इसी दौरान तब इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी काम चलता था, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डिप्लोमा कर रहे थे। इसकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें मुंबई जाना पड़ा। मुंबई जाकर भी उन्होंने कुछ ट्रेनिंग ली। इसके बाद मुंबई में ही प्रैक्टिस करवाने के लिए इरफान खान साहब, जो कि तब स्टूडेंट थे, उन्हें फील्ड पर भेजा गया। इसी दौरान एक बार वो एक सुपरस्टार के घर पर गए थे एसी ठीक करने। ये सुपरस्टार थे राजेश खन्ना साहब। जी हाँ, तब इरफान खान को फील्ड जॉब में राजेश खन्ना साहब के घर पर एसी ठीक करने के लिए भेजा गया था। इरफान खान साहब ने ये पूरा वाक्या शेयर किया एक इंटरव्यू के दौरान, जिसमें वो नसरुद्दीन शाह को बताते हैं कि किस तरह से जब एसी रिपेयर करने के लिए वो राजेश खन्ना साहब के घर पर गए, जो कि सब जानते हैं कि कार्टर रोड पर आशीर्वाद बंगलो है उनका, वहां पर तो बाई ने दरवाजा खोला और उनसे पूछा कि तुम कौन हो। वेल, इरफान खान साहब तब तक तो सिर्फ एसी ही रिपेयर कर रहे थे और फिगर आउट कर रहे थे कि वो हैं कौन। तब उन्होंने कहा कि मैं एसी रिपेयर करने वाला हूं। बाई ने उन्हें अंदर बुलाया और इरफान खान साहब वहां से निकल गए। इस जॉब को करने के दौरान इरफान खान साहब को रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ इसलिए ये काम नहीं करूंगा कि मुझे पैसा चाहिए, मैं अब वो काम करूंगा जिससे मुझे खुशी भी हो और पैसा जो है वो सेकेंडरी होगा तो भी चलेगा। यहीं से इरफान खान साहब के थॉट प्रोसेस में चेंज आया। उन्होंने खुद को एनएसडी के लिए एनरोल किया और डिसाइड किया कि आगे जाकर वो एक्टिंग ही करेंगे। और यही थॉट प्रोसेस इरफान साहब की पूरी लाइफ में भी दिखा कि उनका स्ट्रगल का समय काफ़ी लंबा रहा। बेहतरीन काम तो वो शुरू से ही कर रहे थे, पहचान देर से मिली, इंडस्ट्री ने क्रेडिट देना लेट शुरू किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कठिनाइयां कितनी ही आई हो, उन्होंने अपने पैशन को टूटने नहीं दिया। और उनका करियर भी इस बात को बयां करता है कि इरफान खान साहब के लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए एक्टिंग पहले थी, रोल कैसा है वो जरूरी था, उसमें पैसा कितना है ये कभी भी उनके लिए मायने नहीं रखा। और ये जो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ था, ये उसी टाइम से हुआ था जब वो राजेश खन्ना साहब के घर पर एसी ठीक करने गए थे। अपने स्ट्रगल को इरफान खान साहब बस इन्हीं शब्दों में बयां करते हैं। आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो टफ बात नहीं है, उस स्ट्रगल के दौरान आप नहीं टूट रहे हैं ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। और इसी चीज को इरफान खान साहब ने बनाए रखा। उनके स्ट्रगल की कहानी आज सब जानते हैं कि उन्होंने कहां से कहां तक का सफर तय किया, न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि उन्होंने हॉलीवुड तक हमारे देश का नाम रोशन किया। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।